Subscribe to our channel and press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. It's free, you know. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग फिर से हाजिर हैं आपके सामने लेकर एक नई कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से करीब 750 साल पहले ओडिशा के आदिवासी कबीले के सरदार की मौत के बाद उसके ज्येष्ठ पुत्र को वहाँ का सरदार बनाया गया, परंतु उसके छोटे पुत्र को वहाँ के सरदार बनने की चाहत थी। वह अपने भाई को उस कबीले का सरदार बनते नहीं देखना चाहता था। छोटा पुत्र क्रूर था, इसी वजह से कबीले वाले उसे सरदार नहीं बनाना चाहते थे। छोटे पुत्र ने सत्ता की लालच में आकर अपने ही बड़े भाई को मरवाने का षड्यंत्र रचा और अपने ही कबीले के दुश्मन कबीले वालों से जा मिला और उन्होंने मिलकर एक विष्कन्या को नियुक्त किया और अपने भाई को मरवाने के लिए छल से उसे अपने कबीले के रसोई में नौकरी दिलवा दी। विष्कन्या ने निर्देश अनुसार अपना कार्य प्रारंभ किया और धीरे धीरे कबीले के नए सरदार ओमनचंद को अपने प्रेम के जाल में फंसाया। परंतु सरदार उससे वाकई प्यार कर लगे थे। एक दिन मौका देखकर वह विष्कन्या सरदार को नदी तट पर ले जाती है और नौका विहार के बहाने उसे नदी में ले जाकर उनके शरीर पे नाखूनों से वार करके उनके प्राण लेना चाहती है। परंतु नदी के बीच में जाने पर उस विष्कन्या ने सरदार को अपनी सच्चाई बता दी और उस पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ी। उसी वक्त एक मगरमच्छ ने नाव पर हमला कर दिया और विष्कन्या विशाखा नदी में जा गिरी। सरदार ने अपनी तलवार निकाली और मगर के सीने के आर पार कर दी, विशाखा को मगर से बचा लिया। विशाखा की सच्चाई जानने के बावजूद भी सरदार ने विशाखा के प्राण बचाए, यह देखकर विशाखा का मन भर आया और वो सरदार के महानता की ऋणी हो गई। उसने सरदार से क्षमा मांगी, ना हारने का वचन भी दिया और सरदार से वहाँ से जाने की अनुमति मांगी और उसे किसने यहाँ भेजा था सरदार की जान लेने के लिए उसने ये भी उनको बता दिया और आगे के लिए चेतावनी भी दे दी। ये सब जानने के बाद भी सरदार ने विशाखा को अपने से विवाह का प्रस्ताव दिया, परंतु विशाखा ने सरदार से कहा कि वह किसी भी पुरुष से विवाह नहीं कर सकती। अगर वह किसी से भी विवाह संबंध में जुटती है तो उस पुरुष की मृत्यु निश्चित है। यह कहकर विशाखा वहाँ से चली गई और जाते जाते सरदार से कहा कि अगर जीवन में सरदार को कभी भी इस विष्कन्या की ज़रूरत पड़ती है तो उसे निसंकोच बताया जाए, वो अपने प्राण देने के लिए हर वक्त तत्पर रहेगी। दोस्तों, अगर ऐसी रोचक कहानियाँ और सुननी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके पास भी अगर ऐसी कोई कहानी है तो हमें ज़रूर बताएं, हमें आपकी कहानी सुनाने में बहुत खुशी होगी।